सो हेलो एवरीवन, बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर अब हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बेसिकली इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सर्विस है, जिसकी मदद से आप जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, टूल हैं, जिनको आप ऑपरेट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन इज अ टोटल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क दैट इज डन इन द इन योर बिल्डिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। तो शुरुआत से अंत तक जो बिल्डिंग है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड करता है। जैसे टाइप ऑफ वायर सर्विस लाइन के लिए है, मेन वायर है, इसमें भी केबल अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं, 2 कोर, 3 कोर, हाई टेंशन लाइन गई हुई है या वहां से 11 KB की लाइन आई है, 33 KB की लाइन आपके घर तक, सॉरी 11 KB की लाइन आपके घर तक कनेक्ट है। आपने जब ऊपर की तरफ रूफ को कास्ट करा या फ्लोर को कास्ट करा, जब आप स्लैब को कास्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपने इंटरनल लाइटिंग के लिए फैन बॉक्स, लाइटिंग पॉइंट्स, प्लग पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स छोड़े होंगे। वहां पे आपने अलग अलग अरेंजमेंट को, डिजाइन को प्रॉपरली क्रिएट करके और फिर उन लाइंस को डाला होगा। जब आपने वहां पे स्टील रेनफोर्समेंट या RCC को वहां कास्ट करा है, डाला है, कॉन्क्रीटिंग जब आप कर रहे हैं उसके पहले आपने वो सारे अरेंजमेंट वहां दिए हैं, सर्किट्स के अरेंजमेंट दिए हैं। लोड कैलकुलेशन, भाई लोड कैलकुलेशन, नंबर ऑफ लाइट्स कितनी है, AC के लिए प्रोविजन है या नहीं है, गीजर, फैन, कूलर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो 3 किलोवाट का कनेक्शन आने वाला है, 4 किलोवाट का कनेक्शन आने वाला है या जिससे ज्यादा का आने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। अब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हम इसके प्रिंसिपल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक यहाँ पे आपका सेफ्टी का कंसर्न आता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भैया हम इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, तो जो उसका मेन लाइन आई है जहां से, वहां पे हमने क्या प्रॉपरली अरेंजमेंट लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए? ऐसा तो नहीं कि हमने उसकी लोकेशन ऐसी प्लेस पे रख दी है जिससे इन केस कोई अनहोनी होती है तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाए। हमने कहाँ पे उन पोजीशंस को लगाया है, इन केस किसी रीजन से शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर आपका वहां पे आग लग जाती है, तो क्या वो सारे चीजें, जैसे MCB बॉक्स है तो वो बाहर की तरफ है, अलग से लगा हुआ है, आपका मीटर का बिल निकालने वाले व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको अंदर आने की जरूरत तो नहीं, उसकी प्लेसिंग हमने ऐसी पोजीशन पे कर रखी है जहां से वो आसानी से क्या कर लें, रीडिंग ले लें विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस किए बिना, है ना? ऐसा तो नहीं कि कोई लाइन बाहर ओपन एक्सेस में है तो वो कोई और उस लाइन को आपकी वहां से कनेक्शन लेके ऑपरेट कर रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम ध्यान में रख के बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं। आजकल जैसे सीलिंग का बहुत ज्यादा वर्क होने लगा है, डेकोरेटिव वर्क होने लगा, सीलिंग में अलग अलग लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, कोप लाइट या सीलिंग लाइट आपको देखने को मिलती हैं, राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में और भी कई अलग अलग शेप में, जिसमें वॉट आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 वॉट, 5 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट। तो जनरली अगर हम कंपेयर करें तो ये वॉट के कारण अब क्या है, आपकी एनर्जी सेफ होने लगी है क्योंकि ये कम वॉट में भी ज्यादा आपको रोशनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वर्क करते हैं, जिसकी प्रॉपरली आप डिजाइन करते हैं। डिजाइन एज अ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ बैठ के उसको तैयार करा जाता है, उस हिसाब से बनाया जाता है कि कहाँ से किस तरीके के वायर जाएंगे, कहाँ से किस तरीके की लाइट जाएगी। जनरली क्या होता है कि पहले तो ओपन लाइट्स चलती थी लेकिन आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग का काम होता है, तो प्रॉपर पहले ही उसको स्लैब पे कास्ट करते समय, स्लैब को बनाते समय, स्लैब की कास्टिंग करते समय अंडरग्राउंड वो सारी चीजें दे दी जाती हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच।